एड्रेस करने के लिए स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आज इस मौके पे मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं मोहम्मद नदीम हूँ और मैं आप ही के शहर बीदर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और इस साल के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैं पूरे इंडिया में 461 रैंक मैंने हासिल किया और मुझे बहुत जल्द इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको हम आईपीएस भी कहते हैं, वो मुझे अलॉट होगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को पहले भी पास मैंने किया था 2017 साल में और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिली थी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक घर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास है, तो बचपन से ही मैं पुलिस स्टेशन पुलिस वालों को देखता था और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात थी कि मैं भी एक वर्दी वाला ऑफिसर बनूँ, एक आईपीएस ऑफिसर बनूँ। तो इसके लिए मैं मुसलसिल कम से कम 4 से 5 साल मैंने मेहनत की और आज मैं आपके सामने एक सक्सेसफुल ऑफिसर बन के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे, आप सभी लोगों से, खासतौर से यूथ से ये कहना चाहूँगा कि अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने जो सपने हैं, कभी छोटे मत देखें। सपने हमेशा बड़े 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 सपने देखें और उस पर आप वर्क करते रहिए। होता ये है कि हम अपने जो सोच है उसी को छुट्टी कर देते हैं और उसके फिर हमें जो मिलता है वो भी बहुत कम मिलेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ठान लिया कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। पहले अटेम्प्ट में मुझे जीत हासिल नहीं हुई, मैं फेल हो गया एग्ज़ाम में, लेकिन मैं वहाँ रुका नहीं। मैंने फिर से मेहनत की, फिर मैं जाके आईआरएस ऑफिसर बना, तब भी मैं रुका नहीं क्योंकि मेरे अंदर एक झील थी कि मुझे किसी भी हाल में मुझे आईपीएस ही बनना है। मैंने फिर से एग्ज़ाम लिखा और आज मैं आपके सामने एज आईपीएस ऑफिसर मैं बहुत जल्द बनने जा रहा हूँ। इससे एक और बात आती है जो मेरे जहन में आपसे कहना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीदर शहर में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का बेस है, जो कि हिंदुस्तान का सेकंड लार्जेस्ट बेस है, बट आज तक क्यों ऐसा नहीं हुआ कि बीदर से कोई पर्सन यहाँ से एक पायलट इंडियन एयरफोर्स में बने या एक ऑफिसर बने, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या इसकी वजह यह है कि पीछे बीदर के रहने वालों को या कर्नाटक के रहने वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, ये नहीं रोकते? ऐसा नहीं है, हम अप्लाई ही नहीं करते। तो आज यूथ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि करियर यानी कि ग्रेजुएशन के बाद अपने अपॉर्चुनिटीज जो हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी हम दूसरे जो करियर ऑप्शन हैं उसमें नज़र रखें। मिसाल के तौर पर जैसे मैं सिविल सर्विसेज का हिस्सा हूँ, आईएएस बन सकते हैं आप, आईपीएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं आप, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में जज बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, मुल्क के सर्व करने के लिए आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह अपने लिमिटेशंस को आप बढ़ाइए और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम हासिल नहीं कर सकते। मैं जब प्रिपरेशन करने वाला था, मुझे बहुत लोगों ने रोका कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कर्नाटका से हो तुम, कैसे हो पाएगा? लेकिन मैंने किसी भी पर्सन की बात नहीं मानी, बट मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी और मैं उसको करता गया और कामयाबी मेरे आज पास आ गई। तो यही इससे हमको ये बात पता चलती है कि अगर आप ठान लें और अगर आप मेहनत करें और सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी और जो भी आप चाहें लाइफ में आप वो अचीव कर सकते हैं।